जय हिंद शख्स। जय हिंद। जय हिंद। मैं हूं विकास सूरी और मुझे पॉपकॉर्न मैन ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है क्योंकि 99% मल्टीप्लेक्स में जो पॉपकॉर्न बिकते हैं वो हमारी मशीनें, हमारे दाने और हमारे मसालों से बनाए जाते हैं। महंगे वाले? महंगे तो नहीं होते बट या बनते हैं। जैसे मुन्ना भाई अधूरा है सर्किट के बिना, वैसी मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस भी अधूरी है पॉपकॉर्न खाए बिना। अगर पॉपकॉर्न नहीं तो मूवी का मजा नहीं। जब 50 साल पहले भी शोले आई थी तो छोटे प्लास्टिक के पैकेट में नमकीन पॉपकॉर्न बिका करते थे, और अगर आज जवान और पठान जैसी मूवीज आई हैं तब भी पॉपकॉर्न सिनेमाज में खुद बिक रहे हैं, जैसे कैरमल, चीजी सराचा एंड बड़ सॉल्टेड पॉपकॉर्न। पर आजकल लोग सिर्फ सिनेमाज में मूवी नहीं देखते, अपने घरों में भी OTT के द्वारा मूवीज देखते हैं। तो इस समय मैंने डिसाइड करा क्यों नहीं पॉपकॉर्न का एक्सपीरियंस लोगों को घरों में दिया जाए, एंड दैट्स हाउ द पॉपकॉर्न कंपनी वाज बॉर्न। पॉपकॉर्न इन कंपनी में हम रेडी टू ईट, रेडी टू कुक दोनों पॉपकॉर्न देते हैं, जो दुनिया के चुनिंदे खेतों में से चुन के सबसे बढ़िया भुट्टे के दानों से बनाए जाते हैं। और ये हमारे जो पॉपकॉर्न है ये इंटरनेट पे, मार्केट प्लेसेस पे, हमारे वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल है, और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहें तो हमारे 6 स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जाके गरम गरम पॉपकॉर्न खा भी सकते हैं। मेरा विजन है कि अगर आप पॉपकॉर्न चाहे घर पे खाएं या सिनेमा में खाएं या मार्केट में टहलते हुए, आपके हाथ में पॉपकॉर्न इन कंपनी का पॉपकॉर्न ही होना चाहिए। तो मेरा आस्क है शार्क्स, 75 लाख फॉर 7.5% इक्विटी। अगर आप पॉपकॉर्न खाएं तो पॉपकॉर्न इन कंपनी का है, तो आपकी मूवी होगी ब्लॉकबस्टर। तो विकास, और मैं कहूँ पॉपकॉर्न मैन ऑफ इंडिया, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू मैम। मैं और मेरी फैमिली मूवी थिएटर्स बहुत जाते हैं, और हमारे हर एक के एक रिक्वेस्ट होती है पॉपकॉर्न के लिए। मेरे बच्चे हमेशा वो कैरेमल वाले खाएंगे, आई लाइक द बटर वन, सो डज माई हस्बैंड। और आपने बिल्कुल सही कहा कि घर पे बैठ के भी यू वांट द सेम एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। सो ग्रेट बिजनेस एंड ग्रेट प्रोडक्ट। थैंक यू। आपने कब शुरू किया आपकी जर्नी? ये मैडम मैंने एक्चुअली 2019 से चालू किया। बट आपने बोला सालों से पॉपकॉर्न आपके ही बिकते आए। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी है। आई यूज टू लिव इन US, तो मैं जब वापस आया भारत 1996 के अंदर, तो मैंने एक कंपनी चालू करी किचन रामा के नाम से, जहाँ पे मैं लोगों के होटल, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग कंपनीज और फूड कोर्ट्स डिजाइन और उनको इक्विपमेंट दिया करता था। उससे पहले आपका कहीं US में इसका एक्सपीरियंस था? मैं वही बताने लगा आप। ओके, एग्जैक्टली। सो जब मैं वापस आया उसी समय PVR का इंसेप्शन शुरू हो रहा था, मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एंड दैट इज द टाइम आई गॉट टू डिलीवर माई पॉपकॉर्न्स इन टू द सिस्टम देयर। और जब मैं US में काम किया करता था तो आई यूज टू वर्क फॉर अ कंपनी विच इज सेम नेम कॉल्ड गोल्ड मेडल। अच्छा। तो वो विदेश में उनके लिए एक्सपोर्ट किया करता था पॉपकॉर्न पूरी दुनिया के अंदर। सो दैट्स हाउ द होल एसोसिएशन स्टार्टेड। अच्छा अच्छा। आई वर्क विद टॉप 7 चेन्स और टॉप चेन्स इन द कंट्री। आप कहीं पे भी जाइए आपको हमारी मशीनें, हमारे मकई के दाने या हमारे मसाले मिलेंगे जिनसे आप पॉपकॉर्न खाते हैं। वो US वाली कंपनी का जो आप इंपोर्ट करते हैं, आप उनके एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एब्सोल्युटली। उसमें हमारा एक लोगो भी लगा होता है विच से सर्विस बाय किचन रामा। किचन रामा वहीं रुकता है। मैंने ना 2019 के अंदर एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पॉपकॉर्न को बना के बेचना शुरू किया, तो जब बेचा तो काफी अच्छा ट्रैक्शन आया, तो मैंने सोचा इसको अलग से कंपनी बना दिया जाए। तो आप दोनों चलाते हैं? मैं दोनों ही चलाता हूँ, बट मेरा आज की डेट में फोकस सिर्फ इसी पे है। मैं 95% अपना समय इसी पे लगाता हूँ, 5% किचन रामा में लगाता हूँ, उसके लिए अलग से CEO है जो पूरा कंपनी चलाता है, बिकॉज दैट इज ऑल ऑन ऑटो पायलट। वो कितना बड़ा बिजनेस है? सो प्री कोविड वो तकरीबन 25 करोड़ का था, पोस्ट कोविड अभी 18 करोड़ के आसपास है। उसमें प्रॉफिट बनता है? तकरीबन 15% के आसपास। एंड यू आर द सिंगल शेयर होल्डर देयर? एब्सोल्युटली। तो आपके पॉपकॉर्न अलग कैसे हैं? द काइंड ऑफ क्वालिटी वी यूज इज वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। मैं वो इसीलिए हूं, मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि पॉपकॉर्न जैसी चीज इंडिया के बाहर से आती है। US इज द बिगेस्ट कॉर्न मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। सो अमन, ये आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, आपकी चॉइस में है। सारे ही ले रहा था। ले लीजिए ना। बॉस लेकिन फोड़ डाला यार ये स्ट्रॉबेरी पॉपकॉर्न। मैं जनरली दो तीन चीज होती है जैसे कॉफी, पॉपकॉर्न, आई ऑलवेज से इनको फ्लेवर नहीं करना चाहिए, बट दिस इज सॉलिड। बट पॉपकॉर्न मुझे ज्यादा थोड़ा गरम खाने के आदत है। You are absolutely right. So, वो बेसिकली फ्रेश पॉपकॉर्न सिनेमाज में मिलते हैं या कार्निवल्स वगैरह मिलते हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज गूरमे पॉपकॉर्न, जहाँ पे
आप घर में बैठे इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये डब्बा कितने का है? 200 रुपए। सो हमारा एवरेज 200 से लेके 260 रुपए तक का होता है। मेरी डॉटर के लिए हम अक्सर वो पॉपकॉर्न पॉप करते हैं घर पे, पता नहीं कितने की आती है। एक्ट एक्ट वो कितने का आता है? 10-20 रुपए का आता है शायद। कुकर का 10 रुपए का आता है, वो कैटेगरी टोटली माइक्रोवेव का 15-20 रुपए। ये गूर्मे इंडल्जेंस प्रोडक्ट है। अच्छा, वो इन होम कंजम्पशन प्रोडक्ट। ये तो मतलब कपल्स वगैरह के लिए हो गया वैलेंटाइन डे पे। बहुत अच्छी सेल होती है वैलेंटाइन डे पे, तो बहुत अच्छी। पॉपकॉर्न्स ड्यूरिंग गिफ्टिंग सीजन हैज गॉन अ डिफरेंट लीग, चाहे वो दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो। आई डोंट अंडरस्टैंड आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे। This is your biggest thing, Sprinkle. It is my biggest seller. मैं अमेरिका से जाके लेके आती हूँ। This is amazing. ये मैं लेके जाऊँ? आप please लेके जाइए। आप है ना पॉपकॉर्न घर बनाइए और ये सब जो है ना क्या ये? So ये हमारी DIY movie night kit है। इसका biggest advantage ये है कि आप इसको अपने घर में चाय कुकर में बनाइए या माइक्रोवेव में बनाइए। You can make it all. ये कितने का बिकता है ये? 125 rupees. आपके अलावा कोई इंडिया में पॉपकॉर्न सीजनिंग बेचता है? नहीं, कोई नहीं बेचता। You are the first person. Absolutely. आप ये बंद कर दो और इसे बढ़ा दो। आप लोगों का ज्ञान चाहिए मुझे। क्या स्केल है बिजनेस का? लास्ट ईयर वी डिड 1.8 अप्रोक्सीमेटली, उससे पहले 1.7 किया, फिर हमने 65 किया, फिर हमने 1.25 किया। ये साल कितने में एग्जिट करेंगे? कोशिश तो पूरी 2 करोड़ की है, बट थोड़ा सा ना भी हिला सा हुआ इस वजह से। 1.7 to 2 is as good as flat. देखिए ऐसा है कि हम ना एक तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस सीख रहे हैं, दूसरा क्विक कॉम कंपनी से नेगोशिएट करना और बात करना, इट्स अ बिग चैलेंज। बस वो तो हम करवा देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप ये बताइए ना, 6 स्टोर हैं आपके? जी हाँ। तो वो स्टोर ईयर ऑन ईयर बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप नहीं बढ़ा पा रहे? बिकॉज ऑफ कोविड द एंटायर इंडस्ट्री वाज हिट। बड़ा बढ़ना शुरू हो रहा है, जैसे हमारे 6 एग्जिस्टिंग स्टोर थे, 3 साइन पे अगले 1 महीने में खुल रहे हैं। नहीं सर, बात सही नहीं है। कोविड फिनिश्ड 21, ठीक है, अभी हो गए ऑलमोस्ट 24। अब ये बताइए आपकी पर ओन स्टोर सेल्स कितनी बढ़ रही है? ये 6 स्टोर में से 2 कंपनियों ने 4 फ्रेंचाइज। हमारे स्टोर्स की सेल बहुत अच्छी है, तकरीबन हमारे एक स्टोर से किसी भी मॉल में 15 से 30-35 हज़ार रुपए तक की सेल आती है। जैसे हमारा एक स्टोर है गुवाहाटी के अंदर, वहां से दिन की 35 से 40 हज़ार रुपए की सेल है। दिल्ली के अंदर हमारी 15 से 25 हज़ार रुपए तक की सेल होती है। दो अलग अलग बिजनेस है, एक है पैकेज फूड बिजनेस फंडामेंटली अगर देखें, दूसरा है QSR बिजनेस जहाँ पे आपको फ्रेश सर्विस लेड खाना खिलाने वाला एंड वो स्टोर इकोनॉमिक्स वाला। ये मॉडल्स ना बहुत अलग चलते हैं, स्किल सेट, टीम स्ट्रक्चर अलग होते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में क्या बनाना है? सो माय विजन फॉर दिस इज एग्जैक्टली टू हैव अ मिक्स ऑफ बोथ विदाउट फोकस टू से कि आई कैन बिल्ड अ QSR एंड अ ब्रांड बिजनेस इज वेरी टफ। नो नो नो, QSR इज सेपरेटली a completely automated mode. My focus is actually going into the segment in FMCG. मैं चाहता हूँ कि हर बनाना चिप के साथ 2 पॉपकॉर्न के पैकेट पड़े हों। तो आप QSR को सिर्फ as a marketing channel चला रहे हैं? Absolutely. आपका business है at home packaged popcorn. Correct. सूरी भाई, ये पक्की बात है, क्योंकि ये जो QSR रहेंगे वो आप इसको expand नहीं करेंगे ज्यादा। You taking me wrong. मैंने ये नहीं बोला expand नहीं करूँगा। भाई साहब, अगर expand करोगे और उसका scale business आपके FMCG को match करेगा, तो you cannot say it is only a marketing channel. I really appreciate what you're saying. I am also a person who believes in specific is terrific. मेरा focus completely FMCG पे है। मैं इसको pitching के लिए नहीं जाता। ये लोग मेरे पास आते हैं। मेरा advantage देखिए क्या है? I've been into the industry for 30-35 years. मेरे पास आज की date में daily एक ऐसी family आती है कि साहब ये 15-20 लाख रुपया है, मेरे बच्चे को सेटल कर दीजिए। तो मुझे व्हाट स्टॉप्स मी फ्रॉम थिंग, मेरी एक ऑपरेशन टीम है, मैं खुद तो देखता नहीं, मेरी एक ऑपरेशन टीम है जो ये सारा हैंडल करती है। सर आपसे मुझे तो कुछ सीखना ही पड़ेगा। आपने एक कंपनी बना ली जहाँ से 2.5-3 करोड़ निकाल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि FMCG बिजनेस में भी, ये पॉपकॉर्न पे बिजनेस में इतना सेट हो गया QSR कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सिर्फ ब्रांड पे फोकस कर सकते हो। तो ये क्या जादू है? I have to understand what this. ये मिस्टर सूरी का जादू है सर। अच्छा विकास, let me get you specific. समझ गया। मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछूंगी, एक एक नंबर बताइए सर, सो इट्स क्विक। आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 65-70। EBITDA परसेंट? सो करंटली वी EBITDA नेगेटिव, बट यूनिट इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव। नेगेटिव -10-15 है। 10 या 15, दैट्स अ बिग डिफरेंस। 10 के करीब है। मार्केटिंग कॉस्ट एज अ परसेंट ऑफ सेल्स? 10%। क्यों इतना कम? मैं बनियों की तरह कंपनी चलाता हूं। आई ओनली स्पेंड रिलेशन टू माय सेल्स। रिपीट कस्टमर्स परसेंट? 40-50% है।
क्योंकि कुछ इशू चल रहा था, फंडिंग का था या फिर सेल नहीं हो रही थी, तो आपको कुछ आइडिया है क्या हुआ है इनके साथ? आई हैव नो आइडिया ऑनेस्टली स्पीकिंग. As far as I know, ये जो प्रीमियम पॉपकॉर्न एंड मखाना के अटेम्प्ट्स हुए हैं ना, नहीं हुआ, वो चले नहीं है बिकॉज जो चीज मतलब कंज्यूमर को लगता है मैं 10-15 रुपए में खा सकता हूँ घर में बना, वो अभी 100-150 रुपए में अपग्रेड करके बेचना इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू गिफ्टिंग, क्योंकि गिफ्टिंग में तो कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, पर सेल्फ कंजम्पशन काफी कम है. जो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे इट बॉदर्स मी कि आपके दो कंपनीज हैं, आप बोलेंगे यहाँ सीईओ है, ऑटो पायलट है, होता नहीं है वैसे. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विथ मी, आई एम विलिंग टू लिव विथ इट. मेरे कंडीशंस फॉर दिस बिजनेस, कंडीशन नंबर वन कि ये जो आप ऑफलाइन इन टर्म्स ऑफ ओन स्टोर्स एंड फ्रेंचाइज स्टोर्स और ये कियोस्क वियोस्क कर रहे हैं ना, अभी जितने खुले बस उसके बाद और नहीं खोलेंगे. सेकेंड कंडीशन, हम इस पर फोकस करेंगे बिकॉज आई थिंक इसमें बहुत पोटेंशियल है. प्राइसिंग इज राइट, पैकेजिंग इज राइट, आपका सेल्स हैज बीन प्रीटी मच फ्लैट फॉर 3 years. सो आई थिंक द वैल्यूएशन आई एम विलिंग टू गिव यू 75 lakh, बट फॉर 15% इक्विटी एंड 3% सेल्स रॉयल्टी टिल आई गेट माई 75 lakhs बैक. प्रॉफिटेबल नहीं है, देखते हैं ना, वी विल वर्क दैट आउट एज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन. अभी तो ड्यू डिलिजेंस होना बाकी है. मार्केट बहुत बड़ी है क्या? पॉपकॉर्न की मार्केट तकरीबन 800 करोड़ की बताई जाती है इंडिया. वो 800 करोड़ में से मूवी में ज्यादा सब कुछ पॉपकॉर्न का धंधा पूरा मिला के 800 मूवी हटा दो तो तकरीबन आप 50 करोड़ हटा दो हैं. दैट्स इट बॉस. अगर मैं जिंदगी में अगर पॉपकॉर्न खाए होंगे महीने में एक या दो बार तो खाली सिनेमा में ही खाए हैं मोस्टली. ऐसा तो है नहीं कि घर पे लोग पॉपकॉर्न. मैं बात कर रहा हूं रॉ मटेरियल कॉस्ट की, आप पॉप की बात कर रहे हैं. फॉरगेट रॉ मटेरियल, रिटेल लेवल पर इंडस्ट्री साइज क्या है? मतलब मेरे को एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं पता, 800 करोड़ का पॉपकॉर्न का पूरा मार्केट बताया जाता है. ओके, तो दो हो गए रिटेल में, एक तो हो गया क्यूएसआर फॉर्मेट, दूसरा हो गया एफएमसीजी जो घर पे हम पॉप करते हैं. ये दोनों में कितना डिवीजन होगा, कुछ आइडिया है आपका अंदाजा? आई एम जस्ट गेसिंग एंड अज्यूमिंग. द एफएमसीजी मार्केट इज क्लोज टू 500 टू 600 करोड़. ये आप ऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज, क्योंकि जगह जगह आप कहीं भी गाँव वाँव में चले जाओ वहां पर पॉपकॉर्न बिकते हैं कम्प्लीटली अनब्रांडेड इन पैकेट सील्ड, वो कम से कम 2000 करोड़ का अलग होगा. अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज मच बिगर, है ना, 5 रुपए मिलता है 10 रुपए मिलता है. इनका टारगेट ऑडियंस ही अलग है. मैंने भी डिसीजन बना लिया. देखो पॉपकॉर्न हम सबको पसंद है बट मुझे लगता है बहुत महंगा प्रोडक्ट है. फर्स्ट सेकंड, आई लॉस्ट यू एट व्हेन वी ऑल आस्क्ड यू अबाउट कंपटीशन. आई बोला मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. माय सजेशन वुड बी दैट नो योर कंपटीशन बेटर एंड नो योर नंबर्स आल्सो अ लिटिल बेटर इज नॉट माय व्यू. इज थोड़ा सा मेरे लिए ये एक्सपेंसिव कैटेगरी. आई एम आउट. थैंक यू. एक बात पूछूं, जो ये आपके कियोस्क हैं जो आपने एक दो लगाए हैं उनका क्या रेवेन्यू आता है महीने का? जैसे दिल्ली का मैंने बताया, आप ये देख लीजिए तकरीबन. कहाँ लगाया है वो दिल्ली में आपने? ये पैसिफिक मॉल सुभाष नगर. क्या रेवेन्यू है उसका? क्लोज टू 6.5 lakhs. एंड क्या रेंटल देते हैं वहाँ पे? 1,50,000 के करीब. कितना मैन पावर है? 2 लोग. And what is your margin there? GP again there is about 65%. क्यों, why 65? ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब cinema hall में 85% कमाते हैं. तो cinema में सिर्फ butter salted बेचते हैं. The COGS is very lesser. When I do premium products, there is sugar. And there is no big kiosk chain which is doing popcorns. We are the only ones. But I'm very surprised because इसमें जो margin है, वो तो retail में बैठा हुआ है. इसी cost तो 20 रुपए भी नहीं है बनाने की. 90% margin business है. I'm just hypothetically saying. अगर 6 लाख की भी सेल मान लूं, तो आप 5 लाख का प्रॉफिट है उसमें मार्जिन. 5 लाख में से मैंने 1 लाख की सैलरी दे दी, 1.5 लाख तो एक्चुअली में आई कुड बी मेकिंग 30% प्रॉफिट ऑन अ कियोस्क. इसको सेटअप करने की जो कॉस्ट है, दैट इज नॉट हार्ड, दैट इज नॉट बिग, राइट? ये 5. नो 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 नो, हमने चुप करा दिया उनको. ही सेड दैट इस कियोस्क को सेटअप करने के लिए तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए लगता है. आप टीचर थे, आर्मी में थे कभी? नहीं. अगर 12 लाख रुपए भी लग रहे हैं, मेरा मानना है आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं इस कियोस्क से, बहुत ही क्लीन, बिकॉज़ मार्जिन इज सो हाई एंड इफ यू गेट योर प्राइसिंग राइट. हम कमाते हैं. 1000 कियोस्क खोल दो इसके. आई लाइक टू ब्रिंग इन माय सी. ऐसा होता है कि भाई साहब आप किस लिए आए हैं? भाई साहब आप तो विकास सूरी हैं.
द विकास सूरी, हु नोज एवरीथिंग। 3 साल हो गए हमको यहाँ बैठे हुए, आपको पता है? जी हाँ। हम क्या करते हैं, कुछ आइडिया आपके? तो आपने तो यहाँ पे आके एकदम से शाह को चुप करा दिया। आपने कहा कोई बात कर रहे बड़े हैं, कोई बात नहीं। उम्र की बात नहीं यार, एक सीट की इज्जत होती है यार। I'm sorry if I hurt, but I didn't say that. That's only one point. आप जब से आए हैं, आप कहते हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट, स्पेसिफिक इज टेरिफिक, पर आपके आंसर्स इतने वेग हैं। आपको कुछ भी पूछा जाए, आप क्लियर नहीं बताते हैं आप QSR बंद करोगे कि स्केल करोगे। आपने अपना नाम खुद विकास सूरी मैंने आज तक नहीं सुना, कम से कम 4 बार ले लिया। लोग विकास सूरी के नाम से आते हैं, तो हमारे पास क्यों आए हो फिर आप? हम क्या करते हैं आपको पता है? हम पैसे डालते हैं, थोड़ा हमारा तजुर्बा है तो वो तजुर्बे को शेयर करते हैं, कुछ डोर्स खोल देते हैं, क्विक कॉमर्स में फटाफट धंधा लगवा देते हैं, साथ साथ में हम कुछ सीख भी जाते हैं। आपसे मिलके ऐसे लग रहा है कि यार आप में लर्निंग एजिलिटी और ह्यूमिलिटी तो है ही नहीं। क्या सीखेंगे हम, क्या सिखाएंगे हम, धंधा कैसे बनेगा साथ? सूरी साहब, आपका स्ट्रक्चर बहुत ही मैसी है, बिसाइड्स ऑल द पर्सनल स्टफ आई सेड, एंड दैट्स वन बिग रीजन मैं आउट हूं। थैंक यू, गुड लक टू यू मैन। मुझे लगता है पॉपकॉर्न का बिजनेस बनेगा, लेकिन शायद आप नहीं बना पाओ। विकास, आपकी स्ट्रेटजी आज तो समझ नहीं आ रही है। माय रिकमेंडेशन वुड बी, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो रिटेल में इन्वेस्ट करने की जगह मूवीज के साथ कोलैबोरेट करके, कंटेंट एंड मूवी कोलैबोरेशंस के थ्रू इसको एक इमोशन बनाइए कि घर पे बैठे बैठे मूवी वाली फीलिंग। दैट इज अ वेरी पावरफुल ब्रांड आइडिया जिससे आपने शुरुआत की थी। स्टिक टू दैट, आई एम आउट। आप ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्टिंग के बादशाह हैं इस चीज के, बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग D2C यू स्टिल हैव अ जर्नी टू क्रॉस। करेक्ट। और वो आई थिंक अभी आपको क्यूरियस ही रहना चाहिए कि व्हाट फॉर्मेट विल वर्क। मैं कह रहा हूँ रिटेल चलाओ, ये कह रहे हैं आप वो चलाओ, नमिता तो मसालों में ही खुश हैं। तो मतलब अभी इन दिस ऑल दिस आई थिंक यू नीड आंसर्स, और वो आंसर जब नहीं है तो इन्वेस्टमेंट लेना कैन बी वेरी रिस्की, तो इसलिए मैं बाहर। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, एक ऑफर अभी है, 4 शॉट तो विकास, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल ऑफर। आप काउंटर कर सकते हैं लेकिन मैं मानूंगी नहीं। I accepted. You accepted? Oh great. Wow. I'm excited. Thank you once again for the deal. I really thank you. Thank you very much, sir. Thank you.